बेबी बेबी आज हमारा झंडा लगा रहा है कस्सा कचौड़ी काफी में। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, इसलिए मैंने गोप्रो लगा रखा है सिर पर। और मार्केट में जा रहा हूँ कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट में बहुत ही ज्यादा फेमस जगह जहाँ पे कचौड़ी बनती है, तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, वहीं चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। और आज जब मैं सुबह सुबह उठा तो मम्मी ने एक बहुत ही ज्यादा बुरी खबर दी है, तो वो मैं आपको पहले मार्केट होके आऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा बहुत है। तो इसलिए मैं एक जैकेट भी पहन के जा रहा हूँ, वो ये, और ये मेरे जब मैं क्रिकेट खेलता था वो वाली जैकेट है। ये कहा है? हाँ जा रहा हूँ हमेशा के लिए, यहाँ तक ना जल्दी का काम भी दीदी का, क्योंकि मुझे हर काम इनको जल्दी का चाहिए। इनको जाना है अभी क्या कहते हैं कॉलेज, और कॉलेज जाने से पहले ये मुझसे कह रहे कि जल्दी आइयो, क्योंकि मैं इनकी स्कूटी लेके जा रहा हूँ ना। मैं नीचे आया तो नीचे रखा था चश्मा, और मैंने चश्मा लगा लिया, स्मार्ट सा लग रहा हूँ काफी में। और ये स्कूटी है, इसको पहले बाहर निकाल के फेंकना है, इस पर बैठ के चलते हैं। तो स्कूटी मैंने निकाल ली और हमारा हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार हो गया है, और हम आ चुके हैं रोड पर। और अभी मैं जा रहा हूँ सिंधु वाले की दुकान पर, जिसकी कचौड़ी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ से कचौड़ी लेके आनी है, क्योंकि ऊपर आए हुए हैं चाचा। और चश्मा जो पहना है ना मैंने, चाचा का चश्मा पहना रखा था, मैंने चलो पहन के निकलते हैं, चश्मा भी अच्छा लग रहा है स्टाइलिश था, तो मैंने सोचा पहन के चलते हैं। आँखों में ठंड नहीं लग रही, अब लग रही है खाली कानों में ठंड। मम्मी ने एक ही जैकेट पहन लिया, नहीं तो मैं तो हाफ टी शर्ट में घूम रहा हूँ आज। मम्मी ने जो लगा के कह दिया मैं पहन के जाऊँगा आज, तो मम्मी कहती तो है रोज़ हैं पर मैं भूल जाता हूँ। आज मम्मी ने जैकेट निकाल के ही रख दी कि अली पहन के जा, तो मैंने अभी आज पहन के आ गया अली। तो पहले चलता हूँ रोड पे, बाकी रोड एकदम मक्खन टाइप की है, देखो कितनी मस्त रोड है। स्कूटी पर हल्की सी भी धच्ची नहीं लग रही, पर हमारी स्कूटी की जो हालत है वो शायद मैंने कर दी है, अजीत ने कर दी है, कि हल्की रोड प्लेन हो तो भी धच्ची देती है वो हमको। और थोड़ी बहुत रोड अब ख़राब है, ये शुरू शुरू में बिल्कुल अच्छी थी, अब अच्छी हो गई। लो भाई यहाँ पे भी रुकेंगे अब हम, 2 सेकंड लेट हो गया तो यहाँ पे रेड लाइट चालू हो गई। और यहाँ पे भी अभी रोडों पे काम चल रहा है, इसलिए पीछे वाली रोड ख़राब है, वो भी धीरे करके सही हो जाएंगी। और ये सामने की तरफ झंडा कितना ऊँचा, ये साफ लगता है अलीगढ़ में सबसे ऊँचा झंडा यही है यहाँ का, तो हमको तो इस साइड मुड़ना है। और सिंध वाले की दुकान पास में ही है, देखो मैं कही कचौड़ी की दुकान पर तो भीड़ ही लगी हुई है यहाँ पे। और ये भाई सिंध वाले की दुकान, तो ये रोकते हैं। तो ये रही भाई हमारे सिंध वालों की कचौड़ी, और अंदर पहले हमको पर्ची कटवानी पड़ेगी। अंकल जी 8 खस्ता कचौड़ी है। 8? हाँ। ये क्या है, कैमरा? जी कैमरा है। ये न्यूज का है ऐसे ही है मतलब? नहीं मेरा यूट्यूब पे चैनल है, तो उस वजह से यू ब्लॉगिंग करता हूँ मैं। लगा रहा है कस्सा कचौड़ी, और पहली पर्ची काटनी पड़ती है, और वो कितनी मस्त मस्त यहाँ पेटी वेटी रखी हैं। और अगर आपका बर्थडे वगैरह है तो आप वहाँ सेलिब्रेट कर सकते हो, और भी यहाँ पे लग रहा है। कचौड़ी मिल चुकी है, तो चलते हैं अब सीधा घर। मम्मी ने किसी दोस्त और आके यहाँ पे रुकने की बिल्कुल मना करी है, इसलिए सीधा घर जा रहा हूँ। तो मैं सही तरीके से दिखा नहीं पाया था, तो अब देखो कितना मस्त झंडा लग रहा है, की तरफ लग रहा है सेंटर पॉइंट की साइड। और ये है हमारे यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे मैं और दीदी और पापा अक्सर आते ही रहते हैं। अभी मैं निकले आए हैं दुकान से सिंध वाली की, तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा घर, तो मिलता हूँ आपको घर पहुँचने के बाद। मैं भी आ चुका हूँ, और अभी जो हमारी गली में जो पिल्ला था ना मार्क वाइट कलर का, तो वो हो चुका है ख़त्म कल रात। और मैं सोच रहा था जब मैंने लिटा दिया था वो एक जगह एकदम आराम से, और किसी ने वो फेंक दिया, हमने और कहाँ फेंका है वो फेंक दिया कूड़े में, तो अभी उसको ढूंढने के लिए आ रहा हूँ, ढूंढने के बाद उसको गाड़ूंगा। और कैसे कैसे लोग हैं मतलब, ऐसे ही फेंक दिया यार, मम्मी तान थी ऊपर से देखा है मैंने, वो वहाँ पे फेंका पड़ा है। और गाड़ने में कुछ चाह रहा था, खाली फावड़ा लेके गाड़ रहा था, उसको ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे है, उसको गाड़ूंगा। अब कितना क्यूट सा कुत्ता था वो खत्म हो गया, कल रात एक बार करीबन खत्म हुआ, पहले गाड़ देता मैं कि सुबह उठ के गाड़ूंगा, सुबह उठा तो उन्होंने फेंक दिया, जैकेट तो हटा दिया। और अभी मैं जा रहा हूँ उस कुत्ते को निकालने के लिए, मम्मी ने देखा बाद में निकाली, पहले खाना, अरे खाना बाद में चल जाए, पंजाब में जो करते है रेस्क्यू कुत्ता ने, वो कह रही है आप कपड़ा मत डाला करो, मट्टा करके नमक डाल के दफना दिया करो, है ना। नमक भी ले आया हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ पिल्ला काटने के लिए, ठीक है ना।
कैसा फेंक देता है, गुस्सा आ रही हूँ तो वहां रखोगा जा रहा होगा और जहाँ रखा था उनका वो घर भी नहीं है घर से, मतलब रुवाली रोड एक तो होती है हाँ हम अपने गेट के पास रख लेते लेकिन हमारे गेट के पास पानी हो रहा है गीला हो रहा है इसलिए उसके कपड़े भी हम डालते वो भी गीले हो जाते, हमने फिर वो सामने रखना सही समझा क्योंकि धूप भी आ रही थी और इस तरह से कोई नहीं करता, इंसान हो इंसानियत तो रखो कम से कम। धूप लेने का चलना फिरना भी चालू कर दिया उसने, इतनी भी इंसानियत नहीं है कि तुमने उठवा के कूड़े पे फेंकवा दिया, हमने कह रखा है कोई भी कुत्ता मरता है कम से कम हमें फोन करके बताओ हमारा बच्चा गाड़ेगा, अंतिम समय तो उसका चैन में जाने दो, जीते जी तो कोई सुकून में दो रोटी डालता नहीं है, अगर गेट पे बैठ जाए तो लात मार के हटाती है, पता नहीं कहाँ इंसानियत चली गई, ऊपर वाला ऐसे लोगों को पता नहीं देता भी क्यों है, भेजता भी क्यों है जी कहो ना। कुछ पड़ा और ना उनकी वहां पे प्रॉपर्टी है, बिल्कुल उनकी प्रॉपर्टी के इधर रखा है, तुमने डाल दिया ऐसे बोल रही है, अरे हाँ तुमने डाल दिया हमने डाल दिया ऐसे बोल रही है, पूछती मैंने रखा है तुम तो ये कह रही हो, मैं रखा था मैंने रखा था हाँ। ये बताओ घर के अंदर रखा था तुम्हारे, रोड पे मैं अपने गेट पे रख लेती मुझसे कहूंगी मैं कह दूंगा आंटी तुम्हारी प्रॉपर्टी यहाँ यहाँ पे क्लियर, ये क्या है कोई भी आंटी नहीं कोई भी दुनिया में बोले अगर तुम किसी के घर के अंदर रख के आ रहे हो तो तुम्हें इससे कहने का हकदार है, गेट पे रखा हुआ है वो किसी की जागीर नहीं है, वो आम रोड है हर कुछ भी रखा जा सकता है, हमने कहा कि रोड तो हमने भी इतना फिर 20 फीट का सोच के लिया था, आगे क्यों ये चीज लग रही है, हमने तो नहीं लगाई, हमारा कल कोई अभी तोड़ के चला जाए जो जिसपे स्कूटी उतर, हमारा वो रोल रेलिंग है उसको हमारे लिखा ही नहीं है प्रॉपर्टी में तो उसके ऊपर ट्रक वाला चढ़ाया तो हम तो कुछ कहते ही नहीं उनसे, टूट भी जाती है मार्बल पत्थर लगवा दिया टूट जाती है, हमने आज तक ये नहीं कही क्यों टूट गई क्योंकि हमने गलती करी है ना, हमने आगे निकाला है चढ़ जाए कोई बात नहीं है, अरे जानवर तो सबके आपके आसपास भी अगर कोई जानवर खत्म होता है तो इससे कम से कम इतना तो करो कि उसे एक छोटा सा गड्ढा खोद के गाड़ के नमक डाल के उसे दफना दो, ऊपर भगवान अच्छे ही कर्मों में लिखेगा बुरे कर्मों में नहीं लिखेगा उस चीज को, तो अभी मैं चलता हूँ उसको पहले ढूंढता हूँ, मम्मी कहाँ पे है बता देना छत पे से, तो मैं ऊपर जाके पहले चेक कर लूँ कि किस साइड पड़ा है, बहुत ज्यादा गंदगी है और इंजेक्शन वगैरह अभी फेंक दिया थे लगाने के बाद, तो वही ये जूते पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन जूतों के जो है ना सुई आर पार नहीं होगी, इनका बहुत मोटा नीचे रबर है, तो पहले उसको निकाल के लाता हूँ, छत पे तो देखा है छत पे तो क्लियर दिख रहा है पर ये है कि उठा के लाऊंगा पे तो दिख रहा है और सामने की तरफ है, जब मैं ढूंढ रहा था तब तो मिला नहीं अब मिला आसानी से, मैं अभी कूड़े में आया था और मैंने एक चीज़ देखी है, जब 15 अगस्त होती है तो बड़े झंडे लहराए जाते हैं और अभी हमारा झंडा कहाँ पड़ा है दिखाऊंगा आपको, हमारा झंडा लोगों तो पूरे में देखा है पर पिल्लू नहीं मिला और बगल वाली आंटी जी में वो बता रही हैं कि उनने बोरे में पैक करवाया और पैक करवा के कहीं दूरी फेंक दिया, तो अब पिल्लू जो है मिलने के बिल्कुल ना अब चांसेस ही नहीं है कि अब पिल्लू हमको मिल पाएगा और उसको हम गाड़ पाएंगे, उनने बोरे में पैक करा के फेंकवा दिया तो नहीं मिली, कुछ कहने की मम्मी बगल वाली आंटी बता रही हैं कि बोरे में पैक कराए और फेंक के आए हैं, बड़े बुरे जब कोरोना आया था ना एकदम सही आया, मुझे लग रहा है दोबारा लाना चाह रहे हैं, हमारी वजह से हमारी गलती से ही आया था, सब जानवर बाहर घूम रहे थे हम अंदर बंद थे तब सही था, जब लोग मर रहे थे तो कैसे फेंक दिया जाते थे ऐसे, ने कुत्ता फेंक दिया ऐसे लोग फेंके आ रहे थे आग में, खुद आकर भी आ चुका हूँ क्योंकि वहाँ थी बहुत ज्यादा गंदगी, तो मैंने सोचा कि पहले घर आके नहा लूं, और मैंने वहां पे गया तो पिल्लू को ढूंढने था, वहां आपने देखा था कि वीडियो में कि वहां पे वो झंडा पड़ा है हमारे देश का, जब 15 अगस्त वगैरह आती तो कितने जोर शोर से पूरे मतलब हमारे अलीगढ़ में तो झंडे 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 लहराए जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उस झंडे का कदर नहीं करना चाहते, वो खाली शॉप के लिए लगा दिया कि हाँ झंडा लाए लगा दिया हमने, और कुछ लोग ऐसे हैं भले ही महंगा झंडा लाए सस्ता झंडा है झंडा तो झंडा ही है, सरकार ने कही है 14, 15 और 16, 17 को उतार लो, मैं तो अपना 17 को उतार लिया था आराम से, 16, 17 को मैंने उतार दिया अपने तीनों झंडे, भी बैठ रहा हूँ मैं खाना खाने के लिए, खाने में बनाया है खिचड़ी और ये हमारा दही रखा है और ये हमारा मीठे में डबल स्पेशल जलेबी जलेबी बेबी, मम्मी ने भी अपना खाना खा लिया है और जब जब हमारी सिम्मी ऊपर वाले कमरे के बेड पर सोती है ना तो तब तक सब यहाँ पे सामान फैला ही रहता है क्योंकि हमारी सिम्मी हालत जैसी कर देती है, तो अभी मैंने बुलाया है दीदी को क्योंकि मेरे कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा था लेटर और ईमेल में, तो दीदी को बुलाया है, तो इसी ब्लॉग को करता हूँ एंड आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद है ब्लॉग को लाइक करना शेयर करना कमेंट करके बताना कैसा लगा ब्लॉग,
तेरे बिना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।